नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम काजू कतली बनाएंगे, कैसे बनती है। ये मैंने काजू लिए हैं 250 ग्राम, जो मिक्सी में पीस लेंगे। इसको बारीक पाउडर बना लेंगे इस तरीके से का। मिक्सी को थोड़ा रोक रोक के चलाइएगा तभी पाउडर बनेगा, नहीं तो उसमें एकदम मिक्स हो जाएगा, तेल छोड़ देगा। ये हमने 1 कप चीनी ली है, इसी से नाप के हम आधा कप पानी लेंगे। थोड़ी सी चीनी और ली है हमने, जरूर 1.5 कप करीब ली है, और 1 कप पानी लेंगे। ये मैंने 1 कप पानी डाला। अब इसको हम गर्म होने देते हैं, मिक्स होने देते हैं अच्छे से। इसकी चाशनी बनाएंगे। जब तक चाशनी बनती है, देखिए हमारी चाशनी बनेगी इसकी। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे भी नई नई वीडियो बना के ला सकूँ मैं। चीनी को हम चलाते रहेंगे ताकि जल्दी जल्दी घुल जाए, अच्छे से घुल जाएगी तो फिर कड़क के चाशनी बन गई। अब हमारी चाशनी 1 तार की बन गई और घुल गई अच्छे से। इसमें जो भी अभी हमने पीसा था सारा पाउडर मिक्सी में, अभी काजू का पाउडर पीसा था, वो काजू का पाउडर हम इसमें डाल देंगे पूरा अच्छे से। देखिए हमने पाउडर डाल दिया चाशनी में, और इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए हम और भी कुछ डाल सकते हो आप, और नहीं डालना तो कोई ज़रूरी नहीं है, काजू से भी बन सकती है। इसमें मैंने अभी डाला है 1 चम्मच नारियल, हम मिल्क पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। आपकी इच्छा हो तो आप 2 चम्मच भी डाल सकती है, आपके ऊपर है। मैंने 1 ही डाला है, और 2 चम्मच वो डाला है नारियल का बुरादा। ये देखिए मैंने नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, इसमें 2 चम्मच डाल दिया, और ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे हम। ये देखिए 2-3 हो गया। ये नारियल का बुरादा भी डाल दिया, और मिल्क पाउडर डाल दिया 1 चम्मच। अब इसको हम मिक्स करेंगे, चलाएंगे अच्छे से। इसमें जो गुठलियाँ पड़ रही हैं इसको फोड़ देते हैं, और चलाते रहेंगे क्योंकि ये अच्छे से अब खदक रहा है। कम गैस पे चलाएंगे, तेज़ गैस नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। बिल्कुल कम गैस पे चलने चाहिए, बनने चाहिए। स्लो गैस कर लीजिएगा, और जब गाढ़ा होने तक इसको अच्छे से पकाएंगे हम, जब तक ये गाढ़ा हो रहा है। अब इसको हम चलाते रहेंगे जब तक गाढ़ा हो जाएगा, तब तक गाढ़ा होने तक चलाएंगे। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये गाढ़ा हो गया, लगने लगा है, अब कढ़ाई छोड़ देगा। ये देखिए सारे तरफ से चिपकने लगा है, तो अच्छे से गाढ़ा हो गया। बस हमें इतने ही गाढ़ा चाहिए। इसको अब हम थाली में डाल के फैला लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब इसको हम जल्दी ठंडा करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है इसको, पतला पतला करके, ताकि ठंडा हो जाएगा ये जल्दी। अब ठंडा हो गया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, एक पॉलीथीन लेंगे, पन्नी हो मोटी कोई भी हो, उसमें हम इसको डाल लेंगे। तो उस पन्नी से अच्छे से इसको 10-5 मिनट के लिए मसलना है। जब तक मसलना है जब तक ये अच्छे से चिकना ना हो जाए, अपना डो अच्छे से चिकना हो जाएगा। ये देखिए मसलेंगे अब अच्छे से। ये देखिए वैसे तो पन्नी में मसला जाता है, पॉलिथीन में मैंने लेके इसको अच्छे से, इस तरह की पन्नी हो ये, मैंने वैसे ही पॉलिथीन ले ली। इसको आप जब तक मसलिए 10-5 मिनट के लिए, अच्छे से गूंदिए ताकि ये चिकना हो जाए। गूंद गूंद के जब ये चिकना हो जाएगा, अभी गर्म है और इसलिए
अब हमने ये पन्नी में डाल के इस तरह से बेलिएगा, सीधा नहीं बेलेगा ये, जहाँ से भी फट रहा है, किनारे टूट रही है, निकल रही है, इसको सेट कर लीजिएगा ऐसे इस तरह से। ये हमारा चौकोर इसको बेलना है। ये बिल के बन के तैयार हो गई काजू कतली। ये देखिए, ये मैंने पॉलीथीन उसकी ली थी घी की, जो घी आता है डिब्बा अमूल का, उसी की पन्नी है ये। क्या बढ़िया बनाई है काजू कतली। अब हम इस पर चांदी का वर्क लगाएंगे ताकि देखने में सुंदर लगे, अच्छी लगे। मगर मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइबर भी ज़रूर कीजिएगा एक बार। इसको हम काटेंगे, अभी काटेंगे इसको, ठंडा नहीं होने देते, बनते ही हल्के हल्के काट लेते हैं इसको। अब मैंने काटना शुरू किया, इसमें मैंने बड़े बड़े पीस काटे हैं, आप चाहो तो छोटे छोटे भी काट सकते हो, मतलब आप जैसे मर्जी से भी काटते हो काट सकते हो। मैंने आसपास की जो वेस्टिंग थी वो निकाल दी है और बड़े बड़े पीस काटे हैं। देखने में देखिए काजू कतली बनके तैयार हो गई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी काट रहे हैं, काटने में भी अच्छी लग रही है देखिए, और खाने में तो है ही स्वाद। ये बनके तैयार हो गई है और बहुत सॉफ्ट बनी है, अच्छी बनी है। इतना ही साइज लिया है मैंने मोटा, देखिए इतनी मोटी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।